मध्य प्रदेश बार काउंसिल ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। बार काउंसिल के पदाधिकारियों का कहना है कि यदि 31 जनवरी के पहले प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं किया तो प्रदेश भर के अधिवक्ता आंदोलन करेंगे। दरअसल एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग बीते कई सालों से चल रही थी। भारतीय जनता पार्टी भी इस एक्ट को लागू करवाने की बातें करती रही, लेकिन यह लागू नहीं हो पाया। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को जोड़ा था। अपर बार काउंसिल की मांग है कि कांग्रेस अपने वादे को पूरा करे। हालांकि बार काउंसिल में कांग्रेस समर्थित वकीलों का कहना है कि यह जल्दबाजी है, प्रदेश सरकार को कुछ समय और देना चाहिए। प्रदेश सरकार जल्द ही अपना वादा पूरा करेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के समर्थक वकील सरकार पर दबाव बनाना चाहते हैं। भारतीय न्यूज के लिए जबलपुर से विकास पांडे की रिपोर्ट। देखिए, स्टेट बार काउंसिल की आज हम लोग एक स्पेशल बैठक थी यहाँ जबलपुर में, और इसमें मुख्य रूप से जो पुराने हमारे जो मुद्दे थे जो स्टेट गवर्नमेंट के पास विचाराधीन है उस पर हम लोगों ने बहुत गहन विचार विमर्श किया है। पिछली सरकार ने बहुत सारे आश्वासन दिए थे वकीलों को। एक तो मोटी से मोटी बात थी कि जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है तत्काल लागू करेंगे। दूसरा, साथ ही साथ डेथ केस जो वकीलों की मृत्यु के उपरांत उनको जो अनुदान राशि मिलती है परिवार को, उसको 5 लाख रुपये करने की बात कही गई थी। बीमारी के लिए 5 लाख की बात कही गई थी। प्लस जो हमारे नवनियुक्त अधिवक्तागण जो आते हैं, जिनको हम अभी 12,000 दे रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से, उसको 25,000 देने की बात पिछली राज्य सरकारों ने किया था। चुनाव हो चुके, उन सरकारों ने कुछ चीज़ों को नहीं किया, और अब नई सरकार आई है और नई सरकार ने भी अपने चुनावी एजेंडे में इन बातों को रखा था कि जो भी वकीलों की समस्याएँ हैं उनको हम करेंगे पूरा। अब मुझे ऐसा लगता है कि जो नई सरकार आई है, जो अभी तक उन्होंने काम दिखाए हैं पिछले कुछ माहों में, तो निश्चित रूप से पूरे प्रदेश के अधिवक्ता इस बात से आशान्वित है कि जिस तरह से आप अपने एजेंडा और अपने वचन पत्र को निभाने की कोशिश कर रहे हो, तो वकीलों की समस्याएं जो हैं उसके बारे में भी आप जरूर गौर करेंगे। और निश्चित रूप से हमें माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी पर और उनके नेतृत्व पर पूरा भरोसा है कि वो जरूर हम वकीलों की समस्याओं के बारे में जो अपने वचन पत्र में उन्होंने वादे किए थे उसको जरूर पूरा करेंगे। और इस बार काउंसिल में या इस प्रदेश में या वकीलों पूरे देश में अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ समय से एक ऐसा माहौल होता चला जा रहा है कि सरकारें सिर्फ वादा करती हैं और उस पर कोई एक्ट अपॉन नहीं करती हैं। और अगर निश्चित रूप से इन सरकारों ने वकीलों को अगर इग्नोर किया या उनको भुलाने की कोशिश की अपने वादों को, तो हम मजबूर होकर इस संबंध में फिर ऐसे कदम उठाएंगे कि सरकारों को भी सोचना पड़ेगा कि वकील समुदाय की अपेक्षा करना उनके लिए बहुत भारी और बहुत कठिन हो सकता है। तो मैं आपके माध्यम से नए नियुक्त अपने मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी से आशा करता हूँ और वादा उनसे अपेक्षा करता हूँ कि जो घोषणाएं उन्होंने की हैं भाषियों के प्रति वो जरूर पूरी करें और तत्काल इस पर आवश्यक कार्रवाई करते हुए और उसको घोषणाओं को लागू करने का काम करें। लंबे अंतराल से प्रोटेक्शन एक्ट के संदर्भ और पिछली सरकार ने उसके दिशा में कैबिनेट में प्रस्ताव पारित किया, प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने के लिए अध्यादेश जारी किया। इस प्रोटेक्शन एक्ट के संदर्भ में नई सरकार जो बनी है उन्होंने अपने वचन पत्र में भी दिया था कि मेरी सरकार आएगी तो मैं अधिवक्ताओं के प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करेगी। राज्य अधिवक्ता परिषद का ये मानना है कि जो चीज़ आपने अपने वचन पत्र में दिया है उसको पूरा करें। हम लंबे समय से इसके लिए हमें छला जा रहा है, परसों अंतराल हमें प्रोटेक्शन एक्ट की मांग करते हुए हो गया। तो राज्य अधिवक्ता परिषद के अध्यक्ष श्री शिवेंद्र उपाध्याय जी ने आज अपना वक्तव्य दिया, उसमें उन्होंने कहा कि अगर प्रोटेक्शन एक्ट 31 जनवरी तक लागू नहीं होता है तो ऐसी परिस्थितियों में राज्य अधिवक्ता परिषद और मध्य प्रदेश के संपूर्ण अधिवक्ता सोचने के लिए विवश होंगे कि अगली कार्रवाई हमें क्या करनी पड़ेगी जिससे सरकार जो है प्रोटेक्शन एक्ट लागू करे।